हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन टेक अ सेफली सर्कुलर टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट रफ रोड इज वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। और यहाँ पे गाइस हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो गाइस मैक्सिमम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जो इसका आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, रूट में आर जी म्यू। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे ना आपको ड्राइव करके बताऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। इसको हम मान लेंगे एक हमारी एक कार है, ठीक है, जो कि अभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन एक सर्कुलर टर्न आया है जिसपे कार सर्कुलर टर्न करेगी, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब हमारी कार यहाँ पे है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इसपे इस तरफ कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा है। लेकिन जैसे ही इसने सर्कुलर टर्न करना शुरू किया है तो आप देख सकते हैं कि इनर्शिया की वजह से जो कार है उसको, कार नहीं गाइस, कार का जो टायर है, ठीक है, व्हील है, उसको कहाँ पे होना चाहिए था, उसको इधर होना चाहिए था, लेकिन जो ड्राइवर था उसने व्हील को टर्न किया तो उसका व्हील आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तब तो क्या होगा, इनर्शिया की वजह से जो व्हील होगा वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो उसको रोक लेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अब इसके ऑपोजिट लगेगी, तो व्हील गाइस वहीं पे रुक जाएगा। और व्हील के साथ कार की बॉडी अटैच है तो वो भी इसी तरफ आ जाएगी, जिस तरफ गाइस ये पॉइंट है, मतलब व्हील जिस तरफ मुड़ा है ना उसी तरफ कार की बॉडी भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही तो कार को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और इसी तरह गाइस आप देख सकते हैं कि जब कार इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तो ड्राइवर फिर से व्हील को टर्न करेगा, तो क्या होगा कि कार को जाना इस साइड था, सॉरी गाइस, कार को नहीं, व्हील को जाना इस साइड था, लेकिन टर्न करने की वजह से वो इस साइड आ गया। लेकिन अब अगर इनर्शिया की वजह से वो इधर जाना भी चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हील यहीं पर रुका रहेगा और जो कार की बॉडी उसके साथ अटैच है वो भी इधर आ जाएगी। तो गाइस मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है। और गाइस ये हमारा जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस आर है, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया। अब गाइस हम सिंपल से यहाँ पे एक डेरिवेशन है वो कर देंगे। तो गाइस हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और हम जानते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको होता है म्यू इंटू एम जी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख दिया है म्यू इंटू एम जी, और एफ की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया है म्यू इंटू एम जी। तो गाइस यहाँ से जो हमारी वी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, वो आ रही है रूट आर जी इंटू म्यू, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी मैक्सिमम स्पीड होगी कि कार जो है या व्हीकल वो सेफली टर्न कर सकता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और गाइस अगर आपको भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।